नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच दुबई क्रिकेट ग्राउंड में एशिया कप सुपर फोर का महामुकाबला अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस मुकाबले से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपको देंगे कि आखिरकार टीम इंडिया ने कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, साथ ही श्रीलंका की टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी और कौन से खिलाड़ी हैं श्रीलंका के जो टीम इंडिया को टक्कर दे सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ मिली बड़ी हार के बाद टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव करने जा रही है। तो दोस्तों, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके फाइनल की तरफ एक कदम बढ़ाए तो दोस्तों, हम बात करें भारत और श्रीलंका की, तो यह बेहद ही शानदार मुकाबला होने वाला है, या यूं कहें तो टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा। ऐसे में दोस्तों, हम बात करें कि आखिरकार श्रीलंका की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी टीम इंडिया को यहाँ पर टक्कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, गेंदबाजी की हम बात करें तो श्रीलंका की तरफ से महेश तिक्सेना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें दिलशान मधुसंका भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो वहीं पर आशिता फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने ऐसे, और वहीं पर वनिंदु हसरंगा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, या फिर यूं कहें तो श्रीलंका की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहीं पर श्रीलंका की बल्लेबाजी की हम बात करें तो इस टीम के लिए कुशल मेंडिस काफ़ी शानदार फॉर्म में लौट चुके हैं। उन्होंने पिछले दो मुकाबलों में कमाल का परफॉर्मेंस किया है और श्रीलंका की टीम ने पिछले दोनों मुकाबले काफ़ी शानदार तरीके से जीते भी हैं, तो कुशल मेंडिस भी एक शानदार की प्लेयर हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर गुना तिलका और भानुका राजपक्सा की, तो दोनों काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कप्तान सनका भी कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं श्रीलंका की प्लेइंग 11 की, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करेंगे पुतुम निसंका, तो उनके साथ होंगे कुशल मेंडिस। इसके बाद नंबर 3 पर चरित्र असलंका उतरेंगे, तो नंबर 4 पर गुना थिलका उतरने वाले हैं। वहीं पर नंबर 5 पर दसुन सनका उतरेंगे, तो नंबर 6 पर भानुका राजपक्सा उतरने वाले हैं। नंबर 7 पर वनिंदु हसरंगा खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 8 पर चमिका करुणारत्ने उतरने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे इस टीम की तरफ से महेश तिक्सेना, तो नंबर 10 पर आशिता फर्नांडो उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर खेलते हुए नजर आएंगे दिलशान मधुसंका। यानी कि देखा जाए तो दोस्तों, काफ़ी शानदार टीम नज़र आ रही है फिलहाल श्रीलंका की, और पिछले दो मुकाबलों में से इस टीम ने जिस तरह की फॉर्म पकड़ी है वो फॉर्म टीम इंडिया के लिए यहाँ पर खतरा भी बन सकती है। अब इस टीम को हम कमज़ोर नहीं आंक सकते क्योंकि कई शानदार खिलाड़ी इस समय इस टीम के लिए एक साथ फॉर्म में लौट चुके हैं, तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच भी एक काफ़ी शानदार मुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं पर इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की हम बात करें तो भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। हम बात करें बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे केएल राहुल और रोहित शर्मा। दोनों खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में लगे हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर ये शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। जबकि दोस्तों, नंबर 3 पर हमें विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली अपनी शानदार लाइफ पकड़ चुके हैं, तो यहाँ पर इस मुकाबले में भी वो कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव उतरेंगे, तो नंबर 5 पर हमें दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या उतरेंगे, तो नंबर 7 पर हमें दिनेश कार्तिक उतरते हुए नजर आएंगे। यानी कि ऋषभ पंत को इस टीम में जगह नहीं मिलेगी। वहीं पर नंबर 8 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे अक्षर पटेल, तो नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार उतरेंगे, जबकि नंबर 10 पर रवि बिश्नोई उतरने वाले हैं, तो नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह उतरेंगे। यानी कि दोस्तों, युजवेंद्र चहल को भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने वाली है। यानी कि कई बड़े बदलाव टीम इंडिया में हो चुके हैं। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला किस तारीख को और कितनी बजे खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये मुकाबला खेला जाएगा 6 सितंबर को, जो कि शुरू होगा भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 पर, जिसे आप लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट और साथ ही साथ हॉट स्टार पर। तो दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले में टीम इंडिया जीतकर अपने फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रख पाएगी या फिर श्रीलंका फाइनल में अपना कदम रखेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।